अरे दोस्तों नमस्कार। आज शुक्राणु की समस्या पूरी दुनिया में घर कर गई है। आज पूरी दुनिया में 50 मिलियन लोग नील शुक्राणु से पीड़ित हैं, जो कि बच्चा पैदा करने में असमर्थ हैं। नॉर्मली शुक्राणु की संख्या 60 मिलियन होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ उनकी मोर्टेलिटी भी अच्छी हो, कम से कम 60% मोर्टेलिटी होनी चाहिए। यानी कि शुक्राणु मात्रा में भी ठीक होने चाहिए, हेल्दी शुक्राणु होने चाहिए, तभी आप बच्चा पैदा करने में समर्थ हो सकेंगे। दुनिया में ये चिंता का विषय बनता जा रहा है। अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या है तो इस बारे में विस्तार से आज इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप इस वीडियो में नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस बारे में विस्तार से आज इस वीडियो में जानेंगे कि नील शुक्राणु क्यों हो रहे हैं, आप ऐसी कुछ गलतियां करते हैं जो आप अपनी दिनचर्या में नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से नील शुक्राणु हो जाता है। हमारे अंडकोश शरीर से बाहर रहते हैं क्योंकि हमारे शरीर का तापमान ज़्यादा होता है, जिसमें ज़्यादा तापमान में शुक्राणु जिंदा नहीं रह पाते। इन गलतियों के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली गलती हम करते हैं टाइट अंडरवियर पहनना। अगर आप टाइट अंडरवियर पहनते हैं या टाइट कपड़े पहनकर ऑफिस में दिन भर काम करते हैं तो आपके अंडकोश आपके शरीर के साथ चिपके रहते हैं और वो अधिक तापमान को सहन ना कर कर पाने के कारण शुक्राणु मर जाते हैं, जिससे भी नील शुक्राणु की समस्या हो जाती है। इसके लिए आपको पूरी सावधानी बरतने की जरूरत है और आप टाइट कपड़े ना पहने। उसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी समस्या है आपके पेट का ठीक ना रहना। कब्ज, एसिडिटी, जलन, खट्टा मीठा खाना, उल्टे सीधे खान पान लेना, तला भुना खाना, उस वजह से आपके पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है। एसिडिटी मतलब पित्त बढ़ जाता है। पित्त बढ़ने से आपके शरीर में गर्मी बढ़ जाती है और शुक्राणु ज़्यादा गर्मी में नहीं रह पाता, इसलिए वो मर जाता है। तो ये भी एक समस्या हो सकती है नील शुक्राणु होने की। तीसरा कारण है लो टेस्टोस्टेरोन लेवल। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, 30 साल की उम्र के आसपास आकर हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्री इजैकुलेशन की समस्या भी हो जाती है, पेनाइल डिसफंक्शन भी हो जाता है, तो टेस्टोस्टेरोन लेवल से शुक्राणु भी कम हो जाते हैं। इसके लिए आपको 30 साल के आसपास अच्छा खान पान लेना होता है, एक्सरसाइज करनी होती है, परंतु आयुर्वेद में बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियाँ और आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जिससे आप अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा सकते हैं और 80 साल की उम्र तक मेंटेन कर सकते हैं, तो आपको ये टेस्टोस्टेरोन लेवल की समस्या नहीं होगी। आज मैं आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने के लिए एक ऐसे सप्लीमेंट्स के बारे में बताना जा रहा हूँ जो कि भारत सरकार के फसाई द्वारा प्रमाणित है और बहुत अच्छी कंपनी किंग स्वेदा द्वारा बनाया गया है। आप शक्ति किंग कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू में आप 2 कैप्सूल सुबह 2 शाम 1 महीना तक लें और उसके बाद 1 कैप्सूल सुबह शाम 3-4 महीने तक लगातार रहें। इसको लगातार प्रयोग करने के बाद आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम नहीं होगा और वो हमेशा मेंटेन रहेगा और आप इसको अपनी उम्र के 80 साल तक मेंटेन रख सकते हैं। आप अगर शक्ति किंग कैप्सूल खरीदना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर आप जाकर खरीद सकते हैं या किंग स्वेदा की वेबसाइट पर जाकर भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। अंडकोश में कुछ जन्मजात विकृतियां होती हैं जिनको हम अल्ट्रासाउंड कराने के बाद ही फाइंड आउट कर पाते हैं। इसे बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ठीक हो जाती हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो ठीक नहीं होती। जन्मजात विकृति ठीक होने में मुश्किल आती है। बाकी आप वेरिकोसिल है तो इसका इलाज संभव है। हाइड्रोसिल हो जाता है जिसमें अंडकोश फूल जाता है, उसे पानी भर जाता है, दर्द रहने लग जाता है, उसका भी इलाज संभव है। अगर आपके अंडकोश में कोई सिस्ट बन गया है, कोई गांठ बन गई है जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो गया है या शुक्राणु बाहर आने में दिक्कत आ रही है तो उसका भी इलाज संभव है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपके अंडकोश में अगर किसी तरह का कोई ब्लॉकेज आपको लगता है तो आप इसका स्कोटर्म अल्ट्रासाउंड करा लें और उसके बाद आपको ये पता लग जाएगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर आपने कोई टेस्ट कराया है, अल्ट्रासाउंड कराया है या सीमेन एनालिसिस कराया है या कोई हार्मोन टेस्ट कराया है और उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें, रिपोर्ट को शेयर करें। मैं इसके बारे में विस्तार से रिपोर्ट देखने के बाद आपको बता पाऊंगा कि आपकी समस्या क्या है और उसका हल क्या है।
इसके अलावा अगर आप लंबे टाइम से कोई एंटीबायोटिक दवाई ले रहे हैं, एंटी कैंसर दवाई ले रहे हैं, या अल्सर की कोई दवा ले रहे हैं, या कोई आपने फार्मूला इधर उधर से लेके कोई दवाई बना ली है और उसको खा रहे हैं, तो उसके साइड इफेक्ट से भी आपको नील शुक्राणु हो जाते हैं, शुक्राणु मरने की समस्या पैदा हो सकती है। इसके अलावा अगर आपने सीमेन एनालिसिस कराना है, तो ज़्यादातर ये देखने में आता है कि लोग घर से ही अपना सैंपल लेके जाते हैं, वो कितने टेम्परेचर में जा रहा है, कितनी गर्मी में जा रहा है, किस हालत में लेबोरेटरी पहुंच रहा है, तो पता नहीं लगता। तो वो टेस्ट में क्या होता है, ज़्यादातर शुक्राणु नील आ जाते हैं। तो आपको ये सलाह दी जाती है, अगर आपने सीमेन एनालिसिस करवाना है तो आप लैब वाले से जाके मिलें, वो आपको टाइम देगा और वो लैब में ही आपका सैंपल लेगा। वो लैब में सैंपल लेने के बाद टेस्ट करेगा तो वो जाकर सही रिपोर्ट आ पाएगी। इन सारी रिपोर्टों के बारे में, आयुर्वेदिक इलाज के बारे में, कौन सी दवा लेनी है, कौन सी दवा नहीं लेनी है, क्या परहेज करना है, क्या खाने पीने का ध्यान रखना है, इन सब बातों के बारे में जानने के लिए आप मेरे दिए गए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप करते हैं कर सकते हैं, और मैं आपको आपकी रिपोर्ट देख के उचित परामर्श दूंगा, उचित इलाज के बारे में बताऊंगा, जिससे आप स्वस्थ और सुखी होकर सुखी विवाहित जीवन का आनंद ले सकें और आपके घर में गूंजे किलकारी। ये कोशिश है हमारी के अंतर्गत हम ये प्रोग्राम चला रहे हैं, और आपको हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा लाभ उठा सकें, तो आप अपने फ़ोन और व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।